जय श्री राधे। श्री चैतन्य चरितावली के इससे पूर्व के भाग में आपने जगाई मधाई की क्रूरता और नित्यानंद जी की उनके उद्धार के निमित्त प्रार्थना के विषय में कथा का श्रवण किया। अब जगाई मधाई का उद्धार। संतों के विषय में कहा गया है, साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता हि साधव है, कालेन फलते तीर्थम सद्य साधु समागम है। अर्थात साधुओं का शरीर ही तीर्थ स्वरूप है, उनके दर्शनों से ही पुण्य होता है। साधुओं में और तीर्थों में एक बड़ा भारी अंतर है। तीर्थों में जाने का फल तो कालांतर में मिलता है, किंतु साधुओं के समागम का फल तत्काल ही मिल जाता है। अतः सच्चे साधुओं का सत्संग तो बहुत दूर की बात है, उनका दर्शन ही कोटि तीर्थों से अधिक होता है। सचमुच में जिसका हृदय कोमल है, जो सभी प्राणियों को प्रेम की दृष्टि से देखता है, जिसकी बुद्धि घृणा और द्वेष के कारण मलिन नहीं हो गई है, परोपकार करना जिसका व्यसन ही बन गया है, ऐसा साधु पुरुष यदि सच्चे हृदय से किसी घोर पापी से पापी का भी कल्याण चाहे तो उसके धर्मात्मा बनने में संदेह ही नहीं। महात्माओं की स्वाभाविक इच्छा अमोघ होती है, यदि वे प्रसन्नता पूर्वक किसी की ओर देख भर लें, बस उसी समय उसका बेड़ा पार है। साधुओं के साथ खोटी बुद्धि से किया हुआ सत्संग भी व्यर्थ नहीं होता। साधुओं से द्वेष रखने वालों का भी कल्याण ही होते देखा गया है। यदि पापी के ऊपर किसी अपराध के कारण कभी क्रोध न करने वाले महात्माओं को दैवात क्रोध आ गया, तब तो उसका सर्वस्व ही नाश हो जाता है। किंतु प्राय महात्माओं को क्रोध कभी नाम मात्र को ही आता है। वे अपने अहित करने वाले का भी सदा हित ही करते हैं। प्रहार करने पर भी वे वृक्षों की भांति सुस्वाद फल ही प्रदान करते हैं, क्योंकि उनका हृदय दया से परिपूर्ण होता है। इतने घोर पापी दोनों भाई जगाई मधाई के ऊपर नित्यानंद जी की कृपा हो गई। उनके हृदय में इन दोनों के उद्धार के निमित्त चिंता हो उठी, मानो इन दोनों के पापों के अंत होने का समय आ गया। जिस दिन इन दोनों को अवधूत नित्यानंद और महात्मा हरिदास जी के दर्शन हुए, उसी दिन इनके शुभ दिनों का श्री गणेश हो गया। संयोगवश अब उन्होंने उसी मोहल्ले में अपना डेरा डाला जहां महाप्रभु का घर था। मोहल्ले के सभी लोग डर गए, एक दूसरे से कहने लगे, अब इन कीर्तन वालों पर आपत्ति आई। ये दोनों राक्षस भाई जरूर कीर्तन करने वालों से छेड़खानी करेंगे। कोई कोई कीर्तन विरोधी कहने लगे, अजी अच्छा है, ये कीर्तन वाले रात्रि भर सोने नहीं देते। इनके कोलाहल के कारण रात्रि में नींद ही नहीं आती। अच्छा है, अब सुख से तो सो सकेंगे। कोई कोई अपने अनुमान से कहते, बहुत संभव है अब ये कीर्तन करने वाले लोग स्वयं ही कीर्तन बंद कर देंगे, और न बंद करेंगे तो अपने किए का मजा चाखेंगे। इस प्रकार लोग भांति भांति के तर्क वितर्क करने लगे। प्रभु का घर गंगा जी के समीप ही था। जिस घाट पर प्रभु स्नान करने जाते, उसी के रास्ते में इन दोनों क्रूर कर्मा भाइयों का डेरा पड़ा हुआ था। इनके डर के कारण गंगा स्नान के निमित्त अकेला तो कोई जाता ही नहीं था। 10-20 आदमी साथ मिलकर घाट पर स्नान करने जाते। रात्रि में तो कोई अपने घर से बाहर निकलता ही नहीं था, कारण कि ये दोनों भाई नशे में उन्मत्त होकर इधर उधर घूमते और जिसे भी पाते उसी पर प्रहार कर बैठते। इसलिए शाम होते ही जैसे पक्षी अपने अपने घोंसलों में घुस जाते हैं और फिर प्रातःकाल ही उसमें से निकलते हैं, उसी प्रकार उस मोहल्ले के लोग सूर्यास्त के बाद भूलकर भी घर से बाहर नहीं होते, क्योंकि इनकी क्रूरता और नृशंसता से सभी लोग परिचित थे। शाम को नियमित रूप से भक्त संकीर्तन करते थे और कभी कभी तो रात्रि भर संकीर्तन होता रहता था। इन दोनों के डेरा डालने पर भी संकीर्तन ज्यों का त्यों ही होता रहा। रात्रि में सभी भक्त एकत्रित हुए और उसी प्रकार लय एवं ध्वनि के साथ खोल, मृदंग, करताल और मजीरा आदि वाद्यों सहित भगवान के सुमधुर नामों का संकीर्तन होने लगा। संकीर्तन की त्रितापहारी अनंत अघ संहारी सुमधुर ध्वनि इन दोनों भाइयों के कानों में भी पड़ी।
ये दोनों शराब के मद में तो चूर थे ही, उस कर्ण प्रिय ध्वनि के श्रवण मात्र से और अधिक उन्मत्त हो गए। गर्मियों के दिन थे, बाहर अपने पलंगों पर पड़े हुए ये कीर्तन के जगत पावनकारी रसामृत का पान करने लगे। कभी तो ये बेसुध होकर हुंकार मारने लगते, कभी पड़े पड़े ही आहा आहा इस प्रकार कहने लगते, कभी भावावेश में आकर कीर्तन के लय के साथ उठकर नृत्य करने लगते। इस प्रकार ये संकीर्तन के महात्म्य को बिना जाने ही केवल उसके श्रवण मात्र से ही पागल से हो गए। एक दिन दूर से कीर्तन की ध्वनि सुनकर ही इनके हृदय की कठोरता बहुत कुछ जाती रही। भला जिस हृदय में कर्णों के द्वारा भगवान नाम का प्रवेश हो चुका है, वहां पर कठोरता रह ही कैसे सकती है। संकीर्तन श्रवण करते करते ही ये दोनों भाई सो गए। प्रातःकाल जब जगे तो इन्होंने भक्तों को घाट की ओर गंगा स्नान के निमित्त जाते हुए देखा। महाप्रभु भी उधर ही जा रहे थे। इन्होंने यह सब तो पहले ही सुन रखा था कि प्रभु ही संकीर्तन के जीवन दाता हैं। अतः प्रभु को देखते ही इन्होंने कुछ गर्वित स्वर में प्रसन्नता के साथ कहा, निमाई पंडित, रात्रि में तो बड़ा सुंदर गाना गा रहे थे, क्या मंगल चंडी के गीत थे? एक दिन अपने सभी साथियों के सहित हमारे यहाँ भी गान करो। तुम जो जो सामग्री बताओगे वह सब हम मंगा देंगे। एक दिन जरूर हमारे यहाँ चंडी मंगल होना चाहिए। हमें तुम्हारे गीत बहुत भले मालूम पड़ते हैं। भगवान नाम संकीर्तन का कैसा विलक्षण प्रभाव है। केवल अनिच्छा पूर्वक श्रवण करने का यह फल है कि जो दोनों भाई किसी से सीधे बातें नहीं करना जानते थे, वे ही महाप्रभु से अपने यहाँ गायन करने की प्रार्थना करने लगे। प्रभु ने इनकी बातों का कुछ भी उत्तर नहीं दिया, वे उपेक्षा करके आगे चले गए। तीसरे पहर सभी भक्त प्रभु के घर एकत्रित हुए। सभी ने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु इन दोनों भाइयों का अब अवश्य ही उद्धार होना चाहिए, अब यही इनके उद्धार के निमित्त सु अवसर है। तभी लोगों को संकीर्तन का महत्व जान पड़ेगा एवं आपका पतित पावन और दीन बंधु नाम सार्थक हो सकेगा। प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, भक्तवृंद, जिनके उद्धार के निमित्त आप सब लोग इतने चिंतित हैं, जिनकी मंगल कामना के लिए आप सभी के हृदय में इतनी अधिक इच्छा है, उनका तो उद्धार अब हुआ ही समझो। अब उनके उद्धार में क्या देरी है। जिन्हें श्रीपाद के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो चुका, वे पापी रह ही कैसे सकते हैं। श्रीपाद के दर्शन व्यर्थ कभी नहीं जाते, ये उनका कल्याण अवश्य करेंगे। प्रभु के ऐसे आश्वासन वाक्य सुनकर भक्त अपने अपने स्थानों को चले गए। एक दिन रात्रि के समय नित्यानंद जी महाप्रभु के घर की ओर आ रहे थे। निताई ने जानबूझकर केवल उन दोनों भाइयों के उद्धार के निमित्त ही रात्रि में उधर से आने की बात सोची थी। ये धीरे धीरे भगवान नाम का उच्चारण करते हुए इनके डेरे के सामने होकर ही निकले। उस समय ये दोनों शराब के नशे में चूर हुए बैठे थे। नित्यानंद को रात्रि में उधर से जाते देखकर लाल आंखें किए हुए मदरा के बेहोशी में मदाई ने पूछा, कौन जा रहा है? नित्यानंद जी भला क्यों उत्तर देने वाले थे, वे चुप ही रहे। इस पर इसने डांट कर जोर से कहा, अरे कौन जा रहा है, बोलता क्यों नहीं? इस पर नित्यानंद जी ने निर्भीक भाव से कहा, क्यों, हम हैं, क्या कहते हो? मदाही ने कहा, तुम कौन हो, अपना नाम बताओ और इस समय रात्रि में कहाँ जा रहे हो? नित्यानंद जी ने सरलता के साथ कुछ विनोद के लहजे में कहा, प्रभु के यहाँ संकीर्तन करने जा रहे हैं, हमारा नाम है अवधूत। अवधूत नाम को सुनकर ही मदाही चिढ़ गया। उसने कहा, अवधूत, अवधूत बड़ा विचित्र नाम है, अवधूत तो नाम नहीं होता, क्यों वे बदमाश हमसे दिल लगी करता है? यह कहकर उस अविचारी मदोन्मत्त ने पास में पड़े हुए एक घड़े के टुकड़े को उठाकर नित्यानंद जी के सिर में जोर से मारा। वह खपड़ा इतने जोर से निताई के सिर में लगा कि सिर में लगते ही उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा निताई के माथे में भी गड़ गया। खपड़े के गड़ जाने से मस्तक से रक्त की धारा सी बहने लगी। नित्यानंद जी का संपूर्ण शरीर रक्त से लथपथ हो गया। उनके सभी वस्त्र रक्त रंजित हो गए।
इस पर भी नित्यानंद जी को उसके ऊपर क्रोध नहीं आया और वे आनंद के साथ नृत्य करते हुए भगवान नाम का गान करने लगी। वे इनके ऊपर दया दर्शाते हुए रो रो कर प्रभु से प्रार्थना करने लगे, प्रभो इस शरीर में जो आघात हुआ उसकी मुझे कोई भी चिंता नहीं, किंतु इन ब्राह्मण कुमारों की ऐसी दुर्दशा अब मुझसे नहीं देखी जाती। इनकी इस शोचनीय अवस्था के स्मरण मात्र से मेरा हृदय विदीर्ण हुआ जाता है। हे दयालु, अब तो इनकी रक्षा करो, अब तो इनकी निष्कृति का उपाय बता दो। नित्यानंद जी को इस प्रकार प्रेम में नृत्य करते देखकर मदहाई और भी अधिक चिढ़ गया। इस पर वह इनके ऊपर दूसरी बार प्रहार करने को उद्यत हुआ। इस पर जगाई ने उसे बीच में ही रोक दिया। मदहाई की अपेक्षा जगाई कुछ कोमल प्रकृति का और दयावान था। उसे नित्यानंद जी की इस दशा पर बड़ी दया आई। प्रहार करने वाले पर भी क्रोध न करके वे आनंद के सहित नृत्य कर रहे हैं और उल्टे अपने अपराधी के कल्याण के निमित्त प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। इस बात से जगाई का हृदय पसीज उठा। उसने मदहाई को रोकते हुए कहा, तुम यह क्या कर रहे हो? एक सन्यासी को बिना जाने पूछे मार रहे हो, यह अच्छी बात नहीं है। लाल लाल आंखों से चारों ओर देखते हुए मदहाई ने कहा, यह अपना सीधी तरह नाम गांव ही नहीं बताता। सरलता के स्वर में जगाई ने कहा, यह परदेशी सन्यासी अपना नाम गांव क्या बतावे, देखते नहीं अवधूत है, मांगकर खाता होगा, इधर उधर पड़ा रहता होगा। जगाई के इस प्रकार निवारण करने पर मदहाई शांत हुआ। उसने दूसरी बार नित्यानंद जी पर प्रहार नहीं किया। नित्यानंद जी आनंद में उन्मत्त हुए नृत्य कर रहे थे। माथे से रक्त का पनाला सा बह रहा था। वहां की संपूर्ण पृथ्वी रक्त से भीग गई थी। लोगों ने जल्दी से जाकर यह संवाद महाप्रभु को दिया। उस समय महाप्रभु भक्तों के सहित कीर्तन आरंभ करने ही वाले थे। नित्यानंद जी के प्रहार की बात सुनकर अब इनसे नहीं रहा गया। ये नित्यानंद जी को प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे। नित्यानंद जी की विपत्ति का समाचार सुनकर ये एकदम उठ पड़े और दौड़ते हुए घटना स्थल पर आए। इनके पीछे सभी भक्त भी ज्यों के त्यों ही उठे हुए चले आए। किसी के गले में ढोलकी लटक रही थी, किसी के कमर से मृदंग बंधा था, कोई पखावज लिए था, किसी के दोनों हाथों में करताल थी और बहुतों के हाथों में मजीरा ही थे। प्रभु ने देखा नित्यानंद जी आनंद के उद्रेक में प्रेम से उन्मत्त की भांति नृत्य कर रहे हैं। उनके मस्तक से रक्त की धार बह रही है। उनका संपूर्ण शरीर रक्त रंजित हो रहा है। शरीर में से रक्त टप टप नीचे टपक रहा है। उनके नीचे की संपूर्ण पृथ्वी रक्त के कारण लाल हो गई है। ऐसी दशा में भगवान के सुमधुर नामों का कीर्तन कर रहे हैं। नित्यानंद जी के रक्त प्रवाह को देखकर प्रभु का खून उबलने लगा। उस समय वे अपनी सब प्रतिज्ञा भूल गए और आकाश की ओर देखकर जोरों से हुंकार मारते हुए चक्र चक्र इस प्रकार कहने लगे, मानो इन दोनों पापियों के संहार के निमित्त वे सुदर्शन चक्र का आह्वान कर रहे हैं। प्रभु को इस प्रकार क्रोधाविष्ट देखकर नित्यानंद जी ने उनसे विनीत भाव से कहा, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा स्मरण कीजिए, इन पापियों के प्रति जो आपके हृदय में क्रोध उत्पन्न हो आया है उसे दूर कीजिए। जब आप ही पापियों के ऊपर दया न करके क्रोध करेंगे तो इनका उद्धार कैसे होगा? आप तो पाप संहारी हैं, आपका नाम तो पतित पावन है, आप तो दीनानाथ हैं, इनके बराबर दीनहीन पतित आपको उद्धार के निमित्त कहाँ मिलेगा? प्रभो ये पापी आपकी कृपा के पात्र हैं, ये गौर की दया के अधिकारी हैं, इनके ऊपर अनुग्रह होना चाहिए। अपने जगतवंद चरणों को इनके मस्तकों पर रखकर इनका उद्धार कीजिए। निताई की ऐसी प्रार्थना करने पर भी प्रभु का क्रोध शांत नहीं हुआ। इधर प्रभु को क्रोध देखकर सभी भक्त विस्मित से हो गए। सभी आश्चर्य के साथ प्रभु के कुपित मुख की ओर संभ्रम भाव से देखने लगे। सभी को प्रतीत होने लगा कि आज संसार में महाप्रलय हो जाएगा, संपूर्ण संसार प्रभु के प्रकोप से भस्मीभूत हो जाएगा। प्रभु की ऐसी दशा देखकर कुछ भक्त अपने आप को न रोक सके। मुरारी गुप्त आदि वीर भक्त महावीर के आवेश में आकर उन दोनों पापी भाइयों के संहार के निमित्त स्वयं उद्यत हो गए।
उस समय भक्तों के हृदयों में एक प्रकार की भारी खलबली सी मची हुई थी। उत्तेजित भक्त मंडली को देखकर जगाई मधाई के सभी सेवक डर के कारण थरथर कांपने लगे। हजारों नर नारी घटना स्थल पर आ आकर एकत्रित हो गए। संपूर्ण नगर में एक प्रकार का कोलाहल सा मच गया। नित्यानंद जी उत्तेजित हुए मुरारी गुप्त आदि भक्तों के पैरों में गिर गिर कर उनसे शांत होने के लिए कह रहे थे। प्रभु से भी वे बार बार शांत होने की प्रार्थना कर रहे थे। वे दोनों भाई डरे हुए से चुपचाप खड़े थे। उन्हें कुछ सूझता ही नहीं था कि अब क्या करना चाहिए। इतने ही में उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा मानो आकाश में से सुदर्शन चक्र उनके संहार के निमित्त उतर रहा है। सुदर्शन चक्र के दर्शन से वे बहुत ही अधिक भयभीत हुए और डर के कारण थरथर कांपने लगे। नित्यानंद जी ने इनकी मनोगत अवस्था को समझकर चक्र से आकाश में ही रुके रहने की प्रार्थना की और दीन भाव से पुनः प्रभु से प्रार्थना करने लगे। प्रभु, यदि आप ही इस युग में पापियों को दंड देंगे तो फिर पापियों का उद्धार कहाँ हुआ, यह तो संहार ही हुआ। हरदास जी को आपने आश्वासन दिया था कि हम पतितों का संहार न करके उद्धार करेंगे। सामने खड़े हुए इन दोनों पतित पातकियों का उद्धार करके आप अपने पतित पावन नाम को सार्थक क्यों नहीं करते? फिर दंड ही देना है तो एक मधाई को ही दीजिए। जगाई ने तो आपका कोई अपराध नहीं किया, इसने तो उल्टे मधाई को प्रहार करने से निवारण किया है। दूसरी बार प्रहार करने से जगाई ने ही मधाई को रोका है। प्रभो, जगाई तो मेरी रक्षा करने वाला है, वह तो सर्वथा निर्दोष है। जगाई ने श्रीपाद की रक्षा की है, उन्हें मधाई के द्वितीय प्रहार से बचाया है। इस बात को सुनते ही प्रभु की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा, उनका संपूर्ण शरीर पुलकित हो उठा। प्रेम के कारण जगाई को प्रभु ने गले से लगा लिया और वे गदगद कंठ से कहने लगे, तुमने मेरे भाई को बचाया है, तुम मेरे भाई के रक्षक हो, तुमसे बढ़कर मेरा प्यारा और कौन हो सकता है? आओ, मेरे गले लगकर मेरे अनुतप्त हृदय को शीतलता प्रदान करो। प्रभु का प्रेम आलिंगन पाते ही जगाई मूर्छित हो गया, वह अचेत होकर प्रभु के चरणों में लौटने लगा। आज उस भाग्यवान ब्राह्मण बंधु का जीवन सफल हो गया, उसके सभी पाप क्षय हो गए। उसके हृदय में पाप पुंजों का समूह जमे हुए हिम के समान प्रेम रूपी अग्नि की आंच पाने से पिघल पिघल कर आंखों के द्वारा बहने लगा। प्रभु के चरणों में पड़ा हुआ जगाई जोरों के साथ फूट फूट कर रोने लगा। अपने भाई को इस प्रकार प्रेम में अधीर होकर रुदन करते देखकर मधाई के हृदय में भी पश्चाताप की ज्वाला जलने लगी। उसे भी अपने कुकृत्य पर लज्जा आने लगी। अब वह अधिक काल तक स्थिर न रह सका। आंखों में आंसू भरकर गदगद कंठ से उसने कहा, प्रभु, हम दोनों ही भाइयों ने मिलकर समान रूप से पाप किए हैं, हम दोनों ही लोक निंदित पातकी हैं। आपने एक भाई को ही अपने चरणों की शरण प्रदान की है। नाथ, हम दोनों को ही अपनाइए, हम दोनों की ही रक्षा कीजिए। यह कहते कहते मधाई भी प्रभु के चरणों में लौटने लगा। अश्रुओं के वेग से वहाँ की सब धूल कीचड़ बन गई थी। वह कीचड़ दोनों भाइयों के अंगों में लिपटा हुआ था। संपूर्ण शरीर धूल और कीच में सना हुआ था। नदिया के बिना तिलक के राजाओं को इस प्रकार धूल में लौटते देखकर सभी नर नारी अवाक रह गए। सभी लोग उन पापियों के पापों को भुलाकर उनके ऊपर दया के भाव प्रदर्शित करने लगे। आहा, नम्रता में कितना भारी आकर्षण होता है। मधाई के ऊपर से प्रभु का रोष अभी भी नहीं गया था। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, मधाई, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। मैं अपने अपराध करने वाले के प्रति तो कभी क्रोध नहीं करता, किंतु तुमने श्रीपाद नित्यानंद जी का अपराध किया है। यदि वे तुम्हें क्षमा कर दें तब तो तुम मेरे प्रिय हो सकते हो। जब तक वे तुम्हें क्षमा नहीं करते तब तक तुम मेरे सामने दोषी ही हो। जाओ, नित्यानंद जी की शरण लो। प्रभु की ऐसी आज्ञा सुनकर मधाई अस्त व्यस्त भाव से प्रभु के चरणों को छोड़कर नित्यानंद जी के चरणों में जाकर गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपने कुकृत्य पर बड़ी भारी लज्जा आ रही थी। उसी की गिलाने के कारण वह अधीर होकर दहाड़ मारकर रो रहा था। उसके रुदन की ध्वनि को सुनकर पत्थर भी पसीज उठता था। चारों दिशाओं में सन्नाटा छा गया।
मानो मधाई के रुदन से द्रवीभूत होकर सभी दिशाएं रो रही हों। सभी लोग उन पापियों की ऐसी दशा देखकर अपने आपे को भूल गए। उन्हें उस क्षण कुछ पता ही नहीं चला कि हम स्वर्ग में हैं या मर्त्यलोक में। सभी गौरांग के प्रेम प्रवाह के वशवर्ती होकर उस अभूतपूर्व दृश्य को देख रहे थे। मधाई को नित्यानंद जी के पैरों के नीचे पड़ा देखकर नित्यानंद जी से प्रभु कहने लगे, श्रीपाद, इस मधाई ने आपका अपराध किया है, आप ही इसे क्षमा कर सकते हैं। मुझ में इतनी क्षमता नहीं कि मैं आपका अपराध करने वाले को अभय प्रदान कर सकूं। बोलो, क्या कहते हो? अत्यंत ही दीन भाव से नित्यानंद जी ने कहा, प्रभु, यह तो आपकी सदा से ही रीत रही आई है। आप अपने सेवकों के सिर सदा से श्रेयस का सहरा बांधते आए हैं। आप इनके उद्धार का श्रेय मेरे सिर पर लादना चाहते हैं, किंतु इस बात को तो सभी जानते हैं कि पतित पावन गौर में ही ऐसे पापियों को उबारने की सामर्थ्य है। प्रभु, मैं हृदय से कहता हूँ, मेरे हृदय में मधाई के प्रति अणुमात्र भी विद्वेष के भाव नहीं है। यदि मैंने जन्म जन्मांतरों में कभी भी कोई सुकृत किया हो तो उन सब का पुण्य मैं इन दोनों भाइयों को प्रदान करता हूँ। इतना सुनते ही प्रभु ने दौड़कर मधाई को अंक में उठा लिया और जोरों से उसका आलिंगन करते हुए कहने लगे, मधाई, अब तुम मेरे अत्यंत ही प्रिय हो गए। श्रीपाद ने तुम्हें क्षमा कर दिया। उन्होंने अपने सभी पुण्य प्रदान करके तुम्हें परम भागवत वैष्णव बना दिया। तुम आज से मेरे अंतरंग भक्त हुए। श्रीपाद की कृपा से तुम पाप रहित बन गए। प्रभु का प्रेमालिंगन और आश्वासन पाने से मधाई के आनंद की सीमा न रही। वह उसी क्षण मूर्छित होकर प्रभु के पाद पद्मों में पड़ गया। प्रभु के दोनों पैरों को पकड़े हुए नवदीप के सर्वे सर्वा और एकमात्र शासनकर्ता वे दोनों भाई धूल में लोटे हुए रुदन कर रहे थे। भक्त तथा नगर के अन्य नर नारी मंत्र मुग्ध की भांति खड़े हुए इस पतितोद्धार के दृश्य को देख रहे थे। इस हृदय को हिला देने वाले दृश्य से उनकी तृप्ति ही नहीं होती थी। उसी समय प्रभु ने अपने पैरों में पड़े हुए धूल धूसरित दोनों भाइयों को उठाया और भक्तों को संकीर्तन करने की आज्ञा दी। इन दोनों पापी भाइयों की ऐसी दीनता देखकर भक्तों के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। वे अलग अलग संप्रदाय बना बनाकर प्रेम में उन्मत्त हुए हरिध्वनि करने लगे और जोरों से ताल और स्वर सहित कीर्तन करने लगे। नगर के सभी नर नारी कीर्तन में सम्मिलित हुए। आज उनके लिए संकीर्तन देखने का यह प्रथम ही अवसर था। सभी भक्तों के सहित हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे इस महामंत्र का उच्चारण करने लगे। झांझ मृदंग मजीरा बजने लगे। भक्त उन्मत्त होकर कीर्तन करने लगे। बीच बीच में गौर हरि के जय जयकारों की ध्वनि से आकाश मंडल गूंजने लगा। कीर्तन की ध्वनि से सभी को श्वेत कंप अस्त्र आदि सात्विक भाव होने लगे। उस समय के संकीर्तन में एक प्रकार की अद्भुत छटा दिखाई देने लगी। सभी प्रेम में पागल से बने हुए थे। संकीर्तन करते हुए भक्तगण उन दोनों भाइयों को साथ लिए हुए प्रभु के घर पर पहुंचे। इस भाग में इतना ही। अब प्रेम पूर्वक सभी भक्तों का, महाप्रभु का, नित्यानंद जी का हृदय से स्मरण करते हुए गदगद कंठ से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।